A very good morning, children. So today we are going to start the new chapter. So what is the name of the new chapter is keyboard. Okay. A very good morning, children. Today we are going to start the new chapter. So today's new chapter name is keyboard, special keys. कीबोर्ड, कीबोर्ड एक ऐसा बोर्ड जिसमें कीज़ होती हैं। अब वो कीज़ कौन सी? जो कंप्यूटर के पास कीबोर्ड होता है उसे कहते हैं हम इनपुट डिवाइस। और वो इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी स्पेशल कीज़ होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस बॉक्स। इन दिस बॉक्स there are some points are given. How many points we have? We have 5 points. The first one is alphabet keys. The second one is numeric keys. And the third one is special keys, punctuation keys and combination keys. Alphabet keys कौन सी होती हैं जिसमें alphabets लिखे होते हैं? न्यूमेरिक कीज़ कौन सी होती है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं? न्यूमेरिक यानी नंबर्स। स्पेशल कीज़, अब स्पेशल कीज़ कौन सी होती हैं? स्पेशल कीज़ होती हैं कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे साइंस जो हम यूज़ करते हैं अपने लेटर्स में या अपने किसी चीज़ में। स्पेशल कीज़ होती हैं, वो कौन सी स्पेशल कीज़ हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पंक्चुएशन कीज़, पंक्चुएशन कीज़, पंक्चुएशन का मतलब जैसे आप लोग कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप उस पैराग्राफ में कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पे कॉमा लगना है और कहाँ पे इन्वर्टेड ब्रैकेट्स या इन्वर्टेड कॉमास लगने हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, इन्हें कहते हैं पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन कीज़ भी हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल होती हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन कीज़। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ को कंबाइन कर देना। जब आप किसी भी दो चीज़ को कंबाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन कीज़। नाउ नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। अ कीबोर्ड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो हमारा कीबोर्ड है वो हमारे कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट हैज़ मैनी कीज़ ऑन इट। उसके पास बहुत सारी कीज़ होती हैं। दीज कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। इन कीज़ का यूज़ किस चीज़ में होता है? लेटर टाइप करने में, नंबर्स को टाइप करने में एज वेल एज कुछ सिंबल्स को भी टाइप करने में हम हेल्प करती हैं। ओके, सो एवरीवन जस्ट लुक एट योर बुक। ये आपका एक कीबोर्ड की डायग्राम बना हुआ है। जैसे आपके पास कंप्यूटर, आप सबने कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर देखा होगा, उसके पास कीबोर्ड्स देखे होंगे, तो उन कीबोर्ड्स में कौन सी न्यूमेरिक कीज़ हैं, कौन सी अल्फाबेट कीज़ हैं वो हम आज इस पिक्चर से समझ जाएंगे। सो लुक एट योर पिक्चर। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक कीज़ कौन सी हैं आप देखिए, ये वाली जो लाइन है जिसमें आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इसमें सब में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, तो न्यूमेरिक का मतलब क्या हुआ? नंबर्स। तो ये हमारी नंबर्स वाली कीज़ हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अल्फाबेट कीज़। व्हाट इज़ अल्फाबेट्स? अल्फाबेट्स आर फ्रॉम ए टू जेड। सो ए टू जेड वाले जितने भी लेटर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी अल्फाबेट लेटर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज अ अल्फाबेट कीज़। नाउ कम टू ऑन द डिलीट की। डिलीट की कहाँ पे आपको शो हो रहा है? देयर इज़ अ डिलीट की। इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट समथिंग जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ये आपकी चीज़ उसको डिलीट कर देगा। ओके,
The next one is again numeric keys. Numeric keys एक आपको इस तरफ दिख रही है, okay? इस तरफ, और दूसरी यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है? तो ये होती हैं आपकी numeric keys. Now come to on the caps lock key. Caps lock key कहाँ पर है? ये आपको दिख रहा होगा इस जगह पे. ये आपकी caps lock key है, ठीक है? देखिए ये arrow कहाँ जा रहा है? ये वाला arrow, ये आपकी caps lock है. Next one is space bar. Space bar, this one, the longest key on the keyboard is known as a space bar key. जो longest और largest keys होती हैं सबसे ज़्यादा keyboard में, उसे हम कहते हैं space bar key. Now the next one is arrow buttons. These are some arrow buttons. अब एरो बटन्स का काम क्या होता है? इफ़ यू वॉन्ट टू स्क्रॉल योर स्क्रीन अप और डाउन, तो यू कैन यूज़ दीज एरो कीज़. अगर आपको ऊपर जाना है तो आप अप वाली यूज़ करेंगे कीज़ को. अगर आपकी स्क्रीन में नीचे आना है तो आप डाउन कीज़ को आप लोग प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो नीचे की तरफ स्क्रॉल कर जाएगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ दैट वन इज़ द राइट वन एंड दिस इज़ लेफ्ट. अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो आप ये वाली प्रेस करोगे लेफ़्ट बटन, एंड अगर राइट जाना है तो आप राइट एरो की इस पर क्लिक करेंगे और आपकी स्क्रीन राइट की तरफ मूव कर जाएगी. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट इज़ एंटर की. एंटर की कहाँ है? एंटर की दिस वन एंड दिस वन, दिस टू आर एंटर कीज़. इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एंटर कीज़. अगर आपको कोई भी इनपुट देना है कंप्यूटर में तो आप क्या करते हो? एंटर. एंटर करने का मतलब आपने उस चीज़ को डन कर दिया कि हाँ मुझे ये इनपुट, मैंने ये इनपुट डाला. तो ये इनपुट जब आप कंफर्म किसी चीज़ की कंफर्मेशन देते हैं तो आप किससे देते हैं? एंटर बटन से, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर कीबोर्ड्स. नाउ द नेक्स्ट वन इज अल्फाबेट कीज. ओके, सो अल्फाबेट कीज, what is alphabet keys? Alphabet keys is known as a alphabet letters. Alphabet keys have letters on them from A to Z. जो alphabet keys होती हैं उनके पास letters होते हैं A to Z, ठीक है? But they are not given in an alphabetical order. लेकिन आप ये देख रहे हैं, लुक एट दिस, दिस इज़ योर अल्फ़ाबेट्स. ओके, जो आपके कीबोर्ड्स में रहते हैं उसमें आपको ये अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, लेकिन आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि दिस लेटर्स आर नॉट अरेंजिंग इन ए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. ये जिगजैग वे में आपको दिख रहे होंगे. ए यहाँ पर है तो बी इस जगह पे है. तो अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर होते हैं जैसे ए बी सी डी, प्रॉपर ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स होते हैं उसमें नहीं है. These are 26 alphabet keys. ये कितने keys होती हैं? 26, because we have 26 alphabet letters. That's why we have 26 alphabet keys. The next one is we can type letters. हम letters को type कर सकते हैं, words को type कर सकते हैं, as well as we can also type sentences with the help of the alphabet keys. हम इन अल्फ़ाबेट कीज़ की से लेटर, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टाइप कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कीबोर्ड एंड अल्फ़ाबेट कीज़. ओके, सो
today's class is over now. So if you have any problem, if you have any queries related to this topic, you just ask frequently. And thank you. Have a nice day and be safe.